तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने बॉक्स ऑफिस में जो सुनामी ला रखी है हम सभी जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करके जवान आगे बढ़ते जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज 10वें दिन में जो ग्रोथ कर रही है सॉलिड अमेजिंग। दोस्तों आज सैटरडे और कल संडे में अमेजिंग ग्रोथ करते नजर आएगी मूवी। इसी के साथ कल डे 9 तक गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को धड़ल्ले से ब्रेक कर दिया था और इसी के साथ बॉलीवुड हिस्ट्री की अगेन नंबर 1 मूवी बनी जिसने यूएसए से लगातार दूसरी बार 10 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी है। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल डे 9 का दिन कैसा रहा था मूवी के लिए, आज डे 10 की ग्रोथ कैसी चल रही है मूवी की, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी है, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है और फर्स्ट वीक का कलेक्शन कैसा रहा था और अभी तक कौन सी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड जवान तोड़ चुकी है सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर मूवी से रिलेटेड लगातार बड़ी अपडेट चाहते हैं और एसआरके के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जवान का कंटेंट सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा एक्शनल क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी को बेहतरीन स्टार कास्ट से सजाया गया है जिसमें मेन लीड पर आपको द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे और एक नहीं कई अवतार में। जी हाँ दोस्तों, एसआरके के मल्टीपल रोल आपको देखने को मिलेंगे। एक ही मूवी में यंग, मिडिल एज, मैच्योर, ओल्ड वन एसआरके, नेगेटिव एसआरके, पॉजिटिव एसआरके, सारे एसआरके एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ सेकंड लीड में भरपूर साथ देते हुए मोस्ट ब्यूटीफुल नयनतारा ने जबरदस्त किरदार निभाया है। साथ में सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर ने भी जबरदस्त सपोर्टिंग कास्ट में काम किया है और दीपिका का बेहतरीन कैमियो आपको देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे डायरेक्शन की तो यस, तमिल इंडस्ट्री को जॉइंट डायरेक्टर अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर मूवी को बनाया गया था। डायरेक्शन इज सुपर अमेजिंग। बाय गॉड मैं फिर कह रहा हूं, अटली ना होता तो शायद जवान ऐसी ना बन पाती क्योंकि मास मसाला एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं पर जवान जैसी मास मसाला मूवी नहीं देखी जिसमें सोशल मुद्दों पर भी बात उठाई गई है। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे और डायरेक्शन बाय अटली कुमार सुपर फंटेस्टिक। अगेन आई सेड बहुत जबरदस्त काम किया है। साउथ का डायरेक्टर है, साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वही मजेदार भी लगा। मूवी को आज पैन इंडिया रिलीज करा गया है और मूवी ने पहले दिन से ही धमाका काट के रखा है आज 10वें दिन तक। तो बात करते हैं पहले दिन से क्या धूम मचाई है मूवी ने आज 10वें दिन तक। यह दोस्तों ओपनिंग बहुत सॉलिड करी, ह्यूज कलेक्शन। हिंदी से पहले दिन में 65.5 करोड़ के कलेक्शन, इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 74.5 करोड़ का और पहले दिन पूरी दुनिया से 130 करोड़ की बिगेस्ट ओपनिंग ली है। उसी के साथ दूसरे दिन भी अच्छी कमाई करते हुए तीसरे दिन में हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस अगेन दिया, सिर्फ हिंदी से 68 करोड़ के आंकड़े को टच किया जो फर्स्ट डे के कलेक्शन को तोड़ता है। इसी के साथ पहले तीन दिन में टोटल नेट कलेक्शन इंडिया से 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी, फास्टेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, और पूरी दुनिया से सिंगल डे में डे 3 में 144 करोड़ के आंकड़े को टच किया जो अभी तक का ह्यूज कलेक्शन है। बॉलीवुड की किसी भी मूवी ने अभी तक इसे बीट डाउन नहीं किया है। इसी के साथ पहले तीन दिन में ही कलेक्शन पूरी दुनिया से 385 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। बात करें डे 4 यानी फर्स्ट संडे में कैसी ग्रोथ रही, आग फाड़ ग्रोथ रही। डे संडे में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। लगभग 71 करोड़ की कमाई सिर्फ हिंदी से करी जो अभी तक की सिंगल डे में ह्यूज कलेक्शन है। किसी ने भी इतनी बड़ी कलेक्शन सिर्फ हिंदी से नहीं करी थी, ना बॉलीवुड, ना हॉलीवुड और ना पैन इंडिया की किसी भी मूवी ने, इवन बाहुबली 2 ने भी नहीं करी थी, एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, इन्होंने भी नहीं करी थी, सिर्फ हिंदी से फर्स्ट डे में इतनी बड़ी कलेक्शन। इसी के साथ पूरी दुनिया से संडे डे 4 में 135 करोड़ के आंकड़े को टच किया और पहले 4 दिन में ही पूरी दुनिया से 520 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था शानदार तरीके से और फास्टेस्ट पहले 4 दिन में ही हिंदी सिनेमा की नंबर 1 मूवी बनी अगेन जिसने 500 के क्लब में एंट्री मारी और 4 ही दिन में चेन्नई एक्सप्रेस के लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया। इसी के साथ 5वें और 6ठे दिन में हिंदी से 54 करोड़ का कलेक्शन किया था और पहले 6 दिन में 306 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और नंबर 1 मूवी बनकर उभरी जिसने हिंदी से सिर्फ 6 ही दिनों में 300 करोड़ के आंकड़े को टच किया और पहले 6 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन 345 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया था। ग्रॉस कलेक्शन 415 करोड़ हो चुका था पहले 6 दिन में और पूरी दुनिया से 615 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था पहले 6 दिन में ही। इसी के साथ 7वें दिन में पहला वीक कंप्लीट करते करते मूवी ने हिंदी से 21.30 करोड़ के कमाई करी थी और पहले 7 दिन में सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और नेट कलेक्शन पहले 7 दिन का
368.55 करोड़। इसी के साथ पूरी दुनिया से पहले वीक में ही मूवी ने 660 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। ह्यूज कलेक्शन, अमेजिंग ग्रोथ, सुनामी बना गई। बाय गॉड, अपना पहला वीक शानदार तरीके से कंप्लीट किया, 660 करोड़ की कमाई। ये दो तीन मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन होता है बॉलीवुड की नॉर्मल मूवी का। बाय गॉड, इसी के साथ डे 8 में हिंदी से कमाई करी है मूवी ने 17.25 करोड़। और इसी के साथ ऑल थ्री लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, हिंदी और नेट इंडियन कलेक्शन मिला के बनता है डे 8 का 18.5 करोड़ के आसपास। और साथ में अगर मैं बताऊं तो हिंदी से पहले 8 ही दिनों में 346 करोड़ की कमाई कर ली थी और ऑल इंडिया नेट से पहले 8 दिन में 386 करोड़ की कमाई कर ली थी। और पूरी दुनिया से डे 8 में 36 करोड़ की कमाई करते हुए पूरी दुनिया से पहले 8 दिन में ही 696.67 करोड़, अराउंड में 697 करोड़ का कलेक्शन 8वें दिन तक कर लिया था। इसी के साथ बात करें कल्याणी, डे 9 में कैसी ग्रोथ रही, 9वें दिन में भी अच्छी ग्रोथ रही। सिर्फ हिंदी से 18 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन आया तीनों लैंग्वेज से मिला, और नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर लगभग 20 करोड़ के आसपास रहा था। तो सिर्फ हिंदी से पहले 9 दिन में 364 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था, और इसी के साथ पहले 9 दिन में नेट इंडिया से 406 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली थी। अगेन हिस्ट्री रिक्रिएटेड, पहले 9 दिन में आज तक इतनी फास्टेस्ट नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में 400 करोड़ कोई भी कवर अप नहीं कर पाई है, जबकि जवान ने कर लिया। बाय गॉड, और पूरी दुनिया से पहले 9 दिन में ही 730 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आई थी मूवी। इसी के साथ एक बार फिर हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस दिया मूवी ने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डे 9 की अभी पूरी रिपोर्ट फ्लेक्सिबल है, जब ऑफिशियल डे 9 की रिपोर्ट आ जाएगी मेकर्स की तरफ से तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जो भी जैसे ही ग्रोथ रही पूरी डिटेल टू डिटेल चर्चा कर लेंगे। अब बात करते हैं आज यानी 10वें दिन में कैसी ग्रोथ रही। आज तो आग फाड़ रही है, बाय गॉड, आज सैटरडे का फुल फायदा उठा रही है मूवी। जहाँ दोस्तों फुल डे ओवरऑल 35-40% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी ओवरऑल कई कई जगह हाउसफुल बैनर के साथ लगातार परफॉर्म कर रही है। नाइट में तो कर ही रही है, डे में भी कई जगह हाउसफुल बैनर के साथ लगातार परफॉर्म कर रही है, ट्रेंड कर रही है। और आज एडवांस से ही 9 करोड़ का कलेक्शन करा है मूवी ने, तो मूवी एंड ऑफ द डे तक आज लगभग नेट इंडियन कलेक्शन से 30 करोड़ तक के आंकड़े को टच करते नजर आएगी। इसी के साथ पहले ही 10 दिन में आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 436 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी मूवी। और पूरी दुनिया से आज भी एंड ऑफ द डे तक पहले 10 दिन में, लेकिन पहले कल का बताऊंगा, कल 9वें दिन तक कितनी कर ली थी मूवी ने, लगभग 730 करोड़। तो आज 10वें दिन तक मूवी एंड ऑफ द डे तक पहले 10 दिन में ही 785 करोड़ के क्लब में शामिल होते नजर आ रही है और हो भी जाएगी। इसी के साथ जवान आज मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और ओवरसीज में कई जगह फुल हाउसफुल बैनर के साथ जो लहराते हुए ट्रेंड कर रही है, जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। इसी के साथ बताना चाहूंगा बहुत ही कम समय में जवान ने 4 ही दिन में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी और 11वें दिन तक 800 करोड़ के भी क्रॉस कर जाएगी मूवी यानी परसों तक। और इसी के साथ आने वाले 4 ही दिनों में मूवी 1000 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार लेगी, हो सकता है क्रॉस भी कर जाए। इसी के साथ ऑल रिपोर्ट्स को देख के, शुरू से लेकर लास्ट तक की आज 10वें दिन की रिपोर्ट तक को देख के, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जवान 1400 से 1500 करोड़ करते नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या मूवी 1400 करोड़ में सिमट के रह जाएगी या 1500 करोड़ में सिमट के रह जाएगी या इसे भी क्रॉस कर जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।